नमस्कार अजीम आर्या वर्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज जो बात है वो बेसिकली जो भारत की एक राइजिंग ग्लोबल प्रेजेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें जो न्यूज आया है वो है कि अमेरिका की तरफ से भारत को $500 मिलियन की मिलिट्री एड या मिलिट्री सहायता वो देने की बात कही गई है अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा। तो ये किस नज़रिए से है, तो मैं थोड़ा सा इसमें अगर हिस्ट्री में ले चलूँ तो पहले जो विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो विश्व था, जो दुनिया थी, वो दो खेमों में बट चुकी थी। एक कम्युनिस्ट का खेमा जिसको सोवियत यूनियन लीड कर रहा था और एक कैपिटलिस्ट का खेमा जिसको फ्री वर्ल्ड भी कहते हैं और उसको फिर अमेरिका लीड कर रहा था। तो इन दोनों खेमों के बीच में पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन थी, देश थे, वो बटे हुए थे और कोल्ड वॉर का सिलसिला चल रहा था। 21st सेंचुरी में यानी जो 21वीं सदी है इसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कही जा रही है और ऐसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब है कि सोवियत यूनियन रहा नहीं तो अमेरिका एक सोल सुपर पावर हुआ करता था 90 के दशक में। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि कई और देश जो हैं वो अपने जो स्थिति उनकी रही, चाहे वो आर्थिक वित्तीय स्थिति हो या फिर सैन्य शक्ति हो, उसमें उनकी जो अब पहुंच है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, महत्व उनकी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे हम देख रहे हैं कि चीन का जो महत्व है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, भारत का भी महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अब इस समय भी देश जो चाहते हैं वो लोग इस तरह के देशों को, जैसे भारत हुआ, चीन हुआ, चीन को देख रहे हैं कि आप रशिया के साथ है, तो इसीलिए भारत को चाहता है कि जो पश्चिम है वो अपने साथ मिला के रहे। और इसीलिए ये जो $500 मिलियन ये एक तरह से लॉबिंग अमाउंट है ताकि भारत जो है वो उनकी निर्भरता जो है रूस पे वो कम से कम हो सके, खासकर सैन्य मामलों में। तो इसीलिए ये हमें ऑफर दिया जा रहा है। अब इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ निकली है, बहुत सारे वीडियो की एनालिसिस भी दी गई है, जिसमें एक मैं आपके सामने वीडियो रखूँगा जो कि प्रशांत धवन जी का है, नरेटर है वो वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पे, और उनके तरफ से ये बात जो कही गई है उसको हम देखेंगे। लेकिन उसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि उसमें जो बातें हैं उसको अगर मैं अपनी तरफ से कुछ आइडियाज डालूँ उसमें, तो वो आपको एक फुल पिक्चर समझ में आएगी कि भारत की पूरे विश्व में क्या स्थिति है और आगे का भविष्य कैसा रहेगा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं और हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स सॉरी वर्ल्ड अफेयर्स में प्रशांत धवन जी की तरफ से क्या क्या कहा गया है। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां पर यह लिखा गया है कि यूएस की सरकार प्लान ये कर रही है कि ये लोग मिलिट्री एड देंगे भारत को। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है यूएस सीक्स टू वीन इंडिया फ्रॉम रशिया। यूएसए का प्लान ये है कि इंडिया को बिल्कुल अलग कर दो रशिया से, मिलिट्री डिपेंडेंस जो है भारत की रूस पर इसको कम्प्लीटली खत्म कर दो एक आर्म्स एड पैकेज से। इसके अंडर बात ये की जा रही है कि यूएसए इनिशियली, बस स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, $500 मिलियन देगा भारत को और ये अमाउंट फ्री का पैसा है, ये लोन नहीं है, ये वापस नहीं चुकाना, ये पैसा यूएस देगा इंडियन गवर्नमेंट को और ये कहेगा कि देखिए हमारी बहुत सारी डिफेंस कंपनीज हैं, लॉकेट मार्टिन है, बोइंग है, 10 और कंपनीज हैं, इनसे आपको जो परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली घूम फिर के ये पैसा यूएस में वापस ही जाएगा, एक तरीके से यूएस गवर्नमेंट अपनी प्राइवेट कंपनीज को पे कर रही होंगी। नाउ अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि क्या ये पैसा यूएस हर साल देगा इंडिया को? इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यस, क्योंकि आप अगर बाकी एग्जाम्पल को देखें तो इसराइल, इराक, ये सब देश जो यूएसए की मिलिट्री एड रिसीव करते हैं, इनको हर साल ये एड मिलती रहती है फ्रॉम यूएस। इसराइल इसका सबसे बड़ा रिसिपिएंट था, फिर यूक्रेन वॉर हो गई, अब यूक्रेन वॉर के अंदर तो यूएस लिटरली पैसे भरा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन्होंने पैकेज अनाउंस कर दिया है फॉर यूक्रेन। यूक्रेन को ये इतना आर्म कर देंगे कि हो सकता है कि पूरे यूरोप में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्राउंड मिलिट्री यूक्रेन की बन जाए। इसके कंपैरिजन में मैं आपको बताऊं तो बराक ओबामा ने 2016 में एक पैकेज साइन किया था इसराइल के लिए, जिसके अंडर इसराइल को $38 बिलियन मिलेंगे 2017 से लेकर 2028 के बीच में। ये सारा पैसा मिलिट्री एड का नहीं है,
कुछ पैसा ये इसराइल की डेवलपमेंट के लिए देते हैं, कुछ पैसा ये लोग देते हैं इसराइल को मिलिट्री स्ट्रांग करने के लिए। तो इंडिया को ये पैसा किस तरीके से मिल सकता है, यूएस मीडिया ये क्यों डिस्कस कर रहा है, क्या कोई और देश मीडिया को इस तरीके से मिलिट्री एड देगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आप तो यहाँ पे पहली बात जो है वो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दो चीजें निकल के सामने आ रही हैं। वो आर्टिकल में भी दिया गया है कि जो एड है उसके कारण हो सकता है कि भारत अब उस स्थिति में हो जैसे इजराइल हो या इजिप्ट हो या इराक हो या इवन यूक्रेन है, जिसको यूएस की तरफ से अमेरिका की तरफ से एड मिलते हैं, मिलिट्री एड, जो कि बिना जिसको फ्री मनी जिसको कहें वो एक तरह से ऐसी बात होगी। लेकिन जो ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, मैं आपको कुछ बातें इसमें आगे ऐड करूंगा। सबसे पहली बात, जो दूसरी बात कही गई है कि यूक्रेन का ग्राउंड फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा यूएस एड के कारण, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि इराक में या फिर अफगानिस्तान में भी अमेरिका की तरफ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की गई है, लेकिन उनके जो अफगान की जो गवर्नमेंट की नेशनल मिलिट्री फोर्स थी वो तो ख़त्म हो चुकी, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। उसके बावजूद भी तालिबान के टेक ओवर में $60 बिलियन के इक्विपमेंट्स अमेरिका छोड़ के वहाँ गया था। तो इसका मतलब तालिबान आज दुनिया में एक बड़ा फोर्स नहीं है, वो इस तरह का कोई आपको सिनेरियो देखने को नहीं मिलता। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके पॉपुलेशन कितनी है, आपके सोल्जर्स कितने ट्रेंड हैं, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंट्री में कैसा है। तो ये सारी बातें महत्व की होती है। और दूसरा जो है, जो पहली बात की गई है कि हम उस लेवल पे चले जाएंगे जैसे इजराइल, इजिप्ट और इराक है, तो वैसा होगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल्स काफ़ी इसमें भी है और साथ में इन कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती है। जैसे कि इसराइल का जो सिचुएशन रहा है वो 1947 या 45 विश्व युद्ध के बाद से ही इसराइल पे हमेशा से पश्चिमी देशों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे बहाए हैं, पैसे खर्च किए हैं, और इसराइल की लॉबी जो है वो यूएस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हर साल उनको इसीलिए पैसे मिलते रहे हैं। और फिर बहुत सारे इजरायली की ड्यूअल सिटीजनशिप भी है, जो अमेरिका में रहते हैं या अमेरिका के जो इजरायली ज्यूज हैं वो इसराइल के सिटीजन हैं, तो ड्यूअल सिटीजनशिप का वहाँ पे मामला काफ़ी ज़्यादा है। अब इजिप्ट का जो है वो स्वेज कैनाल को लेके हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता या पश्चिमी देश नहीं चाहते कि उस चैनल को ब्लॉक किया जाए, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचने की आशंका हो। तो इसीलिए इसराइल इजिप्ट में कोई हॉस्टाइल जो है गवर्नमेंट वो अमेरिका या पश्चिमी देश नहीं चाहते। तो ये दो बातें यहाँ पे है। अब हम आगे देखेंगे कि आगे इसमें क्या कहा गया है। अब से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रविश होगा जो तब पिछली महीने में मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये टॉपिक कवर किया था कि भारत ने ऑफिशियली यूएसए को ये कह दिया है कि देखिए आपके वेपन्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, रशियन वेपन्स काफ़ी सस्ते होते हैं, इसलिए हमारा जो बजट है उसमें भी ये फिट हो जाते हैं। तो ये जो दुविधा है ये हमारे सामने बनी हुई है, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये मेरी वीडियो है, और इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप ये करने को तैयार है? और इंडिया का जो ये मैसेज है टू यूएस, ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं है, यहाँ पे इंडिया लिटरली एक डिमांड भी सामने रख रहा है कि ठीक है हम समझते हैं आपकी बात को, मगर व्हाट डू यू ऑफर, आप क्या ऑफर करते हैं, आप स्पेशल क्या ऑफर करोगे जो रशिया ऑफर नहीं कर रहा। तो ये मेरी पुरानी वीडियो की क्लिपिंग है, और यहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि इंडिया का जो ये मैसेज है टू यूएस कि आपके वेपन्स बहुत एक्सपेंसिव है, रशियन वेपन्स काफी सस्ते पड़ते हैं हमको, ये एक मैसेज था यूएसए को कि आप लोग कुछ एक काउंटर ऑफर दो, कुछ स्पेशल हमको दो, तभी जो रशिया पर निर्भरता है हमारी ये हम हटाने की कोशिश करेंगे। और उसी के रिस्पांस में अब हम देख रहे हैं कि यूएस मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बिल्कुल यूएस गवर्नमेंट एक प्रॉपर पैकेज बनाएगी इंडिया के लिए, हर साल ये पैसा इंडिया को आता रहेगा। और आप सोच कर देखो तो इससे यूएसए को भी लॉन्ग टर्म में काफी फायदा है। पहली बात तो $2 बिलियन, $3 बिलियन यूएस के लिए कुछ मायने रखते नहीं है, इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया जैसा क्रूशल कंट्री ये चाइना रशिया की साइड ना चला जाए, ये हमेशा लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के साथ रहे। तो मान लीजिए कल को अगर
इंडिया परचेज करता है यूएसए से वेपन्स $5-6 बिलियन के, क्योंकि हमारा काम देखिए ऑब्वियसली $2-3 बिलियन में होगा नहीं। अगर हमको कुछ बड़ा परचेज करना है फ्रॉम यूएसए, जेन्युइनली रशिया पर निर्भरता कम करनी है, तो डील इनिशियली तो $5 बिलियन की एटलीस्ट तो होगी ही। तो $5 बिलियन में से आप 500 मिलियन माइनस कर दो तो 10% का डिस्काउंट यहाँ पे इनको मिल गया। तो बेसिकली यूएस ने इंडिया को ये कहा है कि यूज कोड PD10, मजाक कर रहा हूँ बट ये बस एक एग्जांपल है। इंडिया अगर मान लीजिए कल को राइफल्स परचेज करता है, कुछ छोटी आइटम्स भी परचेज करता है यूएसए से, तो डेफिनेटली ये एड हमारे काफी काम आएगी। और इसके अलावा मैं ये भी देख पा रहा हूँ इन द फ्यूचर काफी अच्छी न्यूज आने वाली है, यूएस और इंडिया मिलकर ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे वेपन्स की। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर थोड़ा सा इशू रहेगा बट डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस सब में ये है कि एक टाइम हुआ करता था, तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बात आगे करूँ कि जो चीप वेपन इंपोर्ट है रशिया से उसकी बात कही गई है और यूएस वेपन एक्सपेंसिव है, इतना भी ज़्यादा ये नहीं है उसमें। क्योंकि हम अगर कुछ एग्जांपल देखें आपकी रशिया के साथ रिसेंट में भी, जो हमारा INS विक्रमादित्य है जो हमने रशिया से इंपोर्ट किया था, वो एक पुराना शिप है जो रूस का ये कैरियर हुआ करता था 70-80s के दशक में, उसको फिर रिफिट करके उन्होंने भारत को दिया। और इनिशियल कॉस्ट जो थी उस INS विक्रमादित्य की वो लगभग $1 अरब थी UPA के समय की, $1 अरब, लेकिन फिर बाद में उसको बढ़ा के रूस ने ही $2 अरब डिमांड किए थे। तो फिर आप कह नहीं सकते कि ये चीप है, और क्योंकि अगर हमने कुछ और 2 अरब मिला देते या फिर तो हम अपना भी एक और उससे ज़्यादा बड़ा और टेक्निकली साउंड शिप बना सकते थे जो कि नया होता, जो कि नए नए टेक्नोलॉजी के साथ हुआ होता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रशिया भी जो वेपन्स देता है वो चीप नहीं होते, इवन कि सुखोई भी है उसमें भी, जो भारत में लाइसेंस्ड प्रोडक्शन में जो भी सुखोई बनते हैं वो रशिया के सुखोई से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इसीलिए भी हम देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अमेरिका के जो वेपन्स है वो सही हैं कि उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है, लेकिन $500 मिलियन कुछ भी नहीं है, इवन कि $2 बिलियन भी कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें कि हाल में भारत के तरफ से एक असॉल्ट राइफल्स की पूरी बैच लगभग 1 लाख के करीब जो असॉल्ट राइफल्स थे 6 और 716 की, उसकी इंपोर्ट हुई थी अमेरिका से और उसका भी दाम $700 मिलियन के आसपास था। तो इसीलिए हम इवन छोटा सा राइफल भी अगर हम खरीदते हैं तो वो भी $500 मिलियन से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात है कि $500 मिलियन हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इवन कि $2 बिलियन, $3 बिलियन, $5 बिलियन भी कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि हमें जो ज़रूरत है उसमें नेवी शिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन की ज़रूरत है जिसमें एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, लगभग 100-200 के आसपास के एयरक्राफ्ट, जिसमें इंटरनेशनल और हमारी डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोनों काम करेंगे। साथ में जो आर्मी है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड की ज़रूरत है, जिसमें आर्टिलरी गन्स हैं, टैंक्स हैं और भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा बढ़ सकता है आगे के फ्यूचर के उसमें। तो इसीलिए ये 500 मिलियन हो या $2 बिलियन हो वो हमारे लिए कुछ नहीं है। ये इसराइल के लिए हुआ करता है क्योंकि इसराइल बहुत ही छोटा देश है, एक आम जो मुंबई सिटी है उससे ही थोड़ा सा ज़्यादा इसराइल की पॉपुलेशन होगी, तो इसीलिए कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। अब यहाँ पे एक और बात कही गई है कि जो TOT की बात, यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो या ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अमेरिका के साथ, रूस के साथ, भारत और भी बहुत सारे देशों के साथ नेगोशिएट कर रहा है कि उनको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दे। ये आप डिस्काउंट की बात अगर करें तो उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, अगर आप TOT की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो भारत ने अमेरिका के साथ एक दो चीज़ों में नेगोशिएट किया था, जैसे कि फाइटर जेट इंजन्स की, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक जो अमेरिका की कंपनी उनके साथ डील फाइनल चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे ये बात ख़त्म हो गई।
और वो डील खत्म हो गई। फिर साथ में हम देख रहे हैं कि रूस के साथ भी FGFA जो था, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोजेक्ट जो थी, उसमें भी रशिया ने बहुत ज़्यादा डिमांड आगे बढ़ा दी, तो उसमें भी जो है भारत हाथ पीछे खींच लिए। साउथ कोरिया के साथ हम डील कर रहे हैं सबमरीन को लेके, जो डीजल ऑपरेटेड सबमरीन होंगी उनको लेके। जापान के साथ कुछ डील चल रही है, साथ में इवन की जो UK के साथ हुआ या फ्रांस के साथ, इस तरह की और भी देश जो है स्वीडन के साथ, वो नेगोशिएशंस चल रहे हैं वेपन्स के टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए। तो ये सिर्फ अमेरिका या रूस की ही बात नहीं है, हम सबसे नेगोशिएट कर रहे हैं। हमारे लिए जो है कि रूस पे निर्भरता कम करना, इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका पे या पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता ज़्यादा कर ले, इसका मतलब ये है कि हमारी अपनी जो सैन्य शक्ति है, अपना जो डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, उसको बढ़ावा देना, जैसे चीन ने किया है वैसे हमें अपने आप को ये मजबूत करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बात लागू होती है, जो भारत की तरफ से हमें, मुझे जो लग रहा है कि वो सोच वो दिख रही है, क्योंकि भारत की जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है उसको ब्लैकलिस्ट में कर दिया, जिसकी इंपोर्ट अब नहीं होगी, वो भारत में जो बनेंगे भारत की कंपनी बनाएगी और भारत में ही यूज होंगे। तो ये कुछ बातें यहाँ पे। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें तीसरा जो अगर पार्ट है वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। से कई साल पहले जब US बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता था पाकिस्तान को और इंडिया के लिए ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि रशिया हमको मिलिट्री एड तो देता नहीं था, रशिया तो कहता था कि सीधा सीधा हमको कैश दो, वेपन्स परचेज कर लो। मगर US ने क्या किया था, 15 सालों में पाकिस्तान को 33 बिलियन डॉलर्स दे दिए। ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं हर साल $2 बिलियन से भी अधिक का अमाउंट है। पाकिस्तान का जो टोटल डिफेंस बजट है अब जाकर हुआ है 9-10 बिलियन डॉलर के आसपास। आज से 10-5 साल पहले आप अगर देखो तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट 6-7 बिलियन डॉलर के आसपास भी था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर साल अगर आपको $2 बिलियन मिल रहे हैं, तो बेसिकली US ने तो ऑलमोस्ट 15-20% पाकिस्तान का जो बजट है ये वैसे निपटा दिया। अफकोर्स पाकिस्तान की जो मिलिट्री एड थी ये फाइनली खत्म करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। इनकी जो ये फेमस ट्वीट थी, इसने सारी मिलिट्री एड खत्म कर दी पाकिस्तान की। उन्होंने ये कह दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज फुलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 बिलियन इन एड ओवर द 15 ईयर्स एंड दे हैव गिवन अस नथिंग बट लाइज एंड डिसीट थिंकिंग ऑफ आर लीडर्स एज फूल्स। तो एक तरफ जो मिलिट्री एड पाकिस्तान के पास जाती थी अब वो भारत को मिला करेगी। मैं यहाँ पे यही कहूंगा, इमरान खान का जो टेन्योर था इट वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर इंडिया। आप सोच कर देखिए, इमरान खान के टेन्योर में ही ट्रंप ने जो ये मिलिट्री एड है पाकिस्तान की कम्प्लीटली खत्म कर दी थी। अब ये मिलिट्री एड इंडिया के पास भी आ रही है और इमरान खान कल को अगर पाकिस्तान में वापस आते हैं पावर में, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडिया की तरफ वेस्टर्न कंट्रीज कितना ज्यादा निर्भर करना स्टार्ट कर देंगी। क्योंकि अब रिपोर्ट्स कुछ ये भी आ रही है कि हो सकता है कि फ्रांस भी इस टाइप का एक मिलिट्री एड पैकेज प्रोवाइड करे इंडिया को। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब पैसे हमको देकर ये सब कंट्रीज कुछ हमसे करवाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान तो इनके लिए काफी कुछ खिदमत भी करता था, देखिए पाकिस्तान के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा था। 32-33 बिलियन डॉलर्स 15 सालों में बहुत ही बड़ा अमाउंट था। इसके कंपैरिजन में इंडिया को जो एड मिलेगी ये काफी कम होगी इंडिया के साइज के हिसाब से भी। और इसमें भी डायनामिक्स डिफरेंट है। इस एड के बदले में US ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इंडिया कुछ इनके लिए करेगा, US बस ये एक्सपेक्ट करेगा कि इस अमाउंट को इंडिया कंसिडर करेगा एक डिस्काउंट की तरह और वापस अमेरिकन कंपनीज को बड़े ऑर्डर देगा मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए। और अगर हमको जेन्युइनली रशिया से मूव अवे करना है, अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट पे ज्यादा डिपेंड करना है इन द नियर फ्यूचर, तो उसमें हमको मिलिट्री एड चाहिए होगी। क्योंकि जो क्रूड ऑयल के दाम अब पहुंच चुके हैं $115-120 पर बैरल, इसकी वजह से भारत को इस फिस्कल ईयर में 110 से लेकर $120 बिलियन पे करने होंगे। तो डिफेंस बजट पे डेफिनेटली इससे चोट पहुंचेगी एंड अ लॉट ऑफ आवर प्लान्स विल बी डिलेड। तो अभी तो खैर इस पर रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हुई है, ऑफिशियली मेरे हिसाब से इसकी जो अनाउंसमेंट है आपको इसी साल या फिर अगले साल की स्टार्टिंग में मिल जाएगी। और फिर आने वाले 5 साल में आप देखोगे कि इंडियन मिलिट्री के इक्विपमेंट में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ऑफ कोर्स इससे जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है ये भी काफी हद तक चेंज होगी। पॉसिबिलिटी है कि रशिया फाइनली बड़े स्केल पर वेपन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करे पाकिस्तान को, बट अगेन वहां पर मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान रशियन वेपन्स को इतना प्रेफरेंस देगा। ये लोग ऑलरेडी चाइनीज वेपन जरा परचेज कर रहे हैं। आपको बता होगा चाइना और रशिया भी आज के समय लड़ रहे हैं आपस में डिफेंस मार्केट्स कैप्चर करने के लिए। तो पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत जरा डिपेंडेंट है चाइना पर। तो एक बार को रशिया अगर कुछ ऑफर करता भी है पाकिस्तान को, तो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान वो चीज परचेज भी कर लेगा। हाँ, मगर ये बात जरूर है कि इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज में इन द फ्यूचर
एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस आने वाला है। तो अभी खैर ये एक न्यूज एंड ट्रांजिशन है, इस पर अभी और डेवलपमेंट्स होगी तो मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ वापस तो यहाँ पे जो है वो वीडियो खत्म हो जाती है। अब आगे जो है उनकी अपनी जो चैनल को लेके बातें वो है, लेकिन यहाँ पे दो बातें और सामने निकल के आई है जो पाकिस्तान को लेके है और साथ में एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो हम देख रहे हैं पूरे विश्व में उसको लेके है। तो पहला मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूँगा। पाकिस्तान को जरूर अमेरिका ने एड दिए हैं, आज से नहीं बहुत पहले से देता आया है, अयूब खान के समय से ये सब चल रहा है, ऑन ऑफ होता रहता है उनके रिलेशनशिप में। जब भी पाकिस्तान का अमेरिका के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहा तब तब जो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन वो काफ़ी स्ट्रांग रही है, इन्फ्लुएंस उनका ज़्यादा रहा है, लेकिन जब अमेरिका उनसे दूर गया है तब तक उनकी जो इकॉनमी है वो धम से नीचे गिर जा रही है। और यहाँ पे भी जो 15 सालों में $33 बिलियन की जो बात ट्रंप ने करी है वो मुशर्रफ के दौर में ही हुआ था कि जो अमेरिका जब से अफगानिस्तान गया था उस समय पाकिस्तान ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और अमेरिका के साथ उनकी जो गठबंधन था वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया। उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान अमेरिका को पैसेज दे रहा था थ्रू द सी टू द अफगानिस्तान, उनकी जो कराची पोर्ट है वहाँ पे इक्विपमेंट्स आते थे, वहाँ पैसे आते थे, वहाँ की जो मिलिट्री जो है अमेरिका की वो वहाँ से ट्रैवल करती थी अफगानिस्तान को। तो वो पैसेज के लिए ही जो अमेरिका है पाकिस्तान को इतने पैसे दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर अफगानिस्तान का वो सारा सिलसिला दिख गया, उसके बाद ओसामा बिन लादेन का भी मामला चला और हकानी नेटवर्क जो अमेरिका बार बार कहता है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो इसीलिए ये ओबामा के समय से ही ये एक समझ आ चुकी थी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कि पाकिस्तान जो है उनसे डबल गेम खेल रहा है। तो ओबामा के समय से ही जो एड थी या फिर उनकी जो रिलेशनशिप में खटास आने लगी थी और ट्रंप के आने के समय ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये इमरान खान को लेके नहीं है खासकर, क्योंकि ट्रंप ने ये एड बंद किया था 2018 में ही और इमरान खान भी 2018 में ही आए थे पावर में, तो इसीलिए ज़्यादा मेल नहीं दिखता, ये इमरान खान को क्रेडिट नहीं जाता इस मामले में, लेकिन पाकिस्तान की जो अपनी हालात है उनको लेके ही ये अमेरिका के साथ उनकी जो बहस थी या उनके साथ जो कटाव हो चुका था तो एड ख़त्म हो चुकी थी। अब इसमें दूसरी बात है कि पाकिस्तान क्या रशिया से वेपन्स लेना शुरू कर देगा, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी भी जो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी है वो अमेरिका पे बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ना रशिया एड देता है ना चाइना एड देता है, जैसे कि प्रशांत धवन जी ने खुद कहा कि रशिया किसी को एड नहीं दे सकता या देता नहीं है, तो और चाइना भी एड नहीं देता, वो लोन देते हैं, और अमेरिका की तरफ से IMF है जो जब किसी के पास कुछ नहीं बचता, कोई उपाय नहीं बचता, कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो IMF के पास जाते, और IMF बिल्कुल ही अमेरिका के कंट्रोल में, इवन श्रीलंका भी गया है। तो इसीलिए अब पाकिस्तान के पास चारा भी नहीं है, अगर वो रशिया से ऑयल भी लेते हैं या फिर वेपन्स लेते हैं या फिर इवन की जो व्हीट की जो बात की थी इमरान खान ने, तो अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा स्टर्न रिएक्शन आए थे। तो इसीलिए मामला मुझे नहीं दिखता है, इवन कि टर्की जो नाटो एलाय है अमेरिका का और एक मतलब पश्चिमी देशों के साथ ही उनकी अलायंस ज़्यादा दिखती है, उन्होंने S-400 लिया रशिया से और अमेरिका ने उन पे सैंक्शंस लगा दिए, इवन F-35 के प्रोग्राम में जो कि टर्की को F-35 मिलने वाला था उससे भी बाहर कर दिया अमेरिका ने। तो बहुत ज़्यादा आपको दिखता है कि पाकिस्तान इस मामले में बुरी स्थिति में फंस जाएगा अगर वो रशिया से वेपन्स लेता है, साथ में रशिया भी बुरी स्थिति में फंस जाएगा क्योंकि भारत से उनको बिलियंस ऑफ डॉलर पर ईयर मिलते हैं सिर्फ वेपन डिलीवरी पे नहीं, बाद में उनकी जो स्पेयर्स हैं उनके मेंटेनेंस पे भी बिलियंस ऑफ डॉलर लाइसेंस प्रोडक्शन में रशिया को जाते हैं। तो इसीलिए भारत से भी रशिया नहीं चाहेगा कि इस तरह के खतरा मोल ले। तो यहाँ पे ये बात हुई। दूसरी बात जो है वो इसमें ये बताई गई है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस की बात है, तेल के दाम बढ़ने से भारत को ये नुकसान होगा और डिफेंस में ये होगा, लेकिन बात ऐसी है कि और इसी कारण जो है
फ्रांस से एड हमें जो मिल सकते हैं वो इन फ्यूचर में भी प्रोबेबिलिटी है, या यूएस से एड मिल रहे तो वो हमें हेल्प करेंगे, तो ऐसी भी बात नहीं है। भारत अब एक ऐसे मुहाने पे है जो हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम अपने आप को अपना मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो हमारी ज़्यादा बढ़ सकती है। इवन अगर ऑयल प्राइसेस ज़्यादा है तो हम रशिया से नेगोशिएट करके कम दामों पे, इवन कि बैंटर से बार्टर सिस्टम को लेके भी हम उनसे ऑयल ले सकते हैं, एनर्जी नीड अपनी पूरी कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, अभी $600 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट पहुंच चुकी है, जो कि $1 ट्रिलियन कुछ सालों में टच कर जाएगी, तो इसीलिए उससे भी भारत को ज़्यादा कमाई हो रही है। तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारी अपने आप की सहूलियतें या हमारी अपनी जो सॉवरेनिटी है उसमें हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं, और किसी कैंप में जाने की बजाय हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन सकते हैं, जिसके तहत जो और देश हैं वो हमारे पास खींचे चले आए, ना कि हम किसी और के पास विद बेगिंग बॉल अगर कहें कि उनके पास जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि एड हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ है या हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई फ्री मनी नहीं है और अमेरिका हमेशा से कुछ ना कुछ चाहता आया है। और अगर मैं कहूं कि भारत को बुश के समय से भी, जब न्यूक्लियर डील चल रहे थे उस समय भी बुश की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि अमेरिका के साथ भारत नाटो अलाइज या उनके लेवल पे जाके अफगानिस्तान में उनके साथ युद्ध करे, हम भारत ने तब मना कर दिया था। ओबामा के समय भी ऐसी बात हुई थी सीरिया इराक को भी लेके, उसमें भी भारत ने मना कर दिया था। ट्रंप ने यह कहा था कि अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा तो भारत को टेक ओवर कर लेना चाहिए, लेकिन भारत ने फिर मना कर दिया था, क्योंकि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी, कोई इंट्रेंस नहीं था, जैसे अमेरिका को पाकिस्तान ने दिया था, हमें ईरान भी नहीं देगा और पाकिस्तान भी नहीं देगा। तो इसीलिए हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखना चाहिए। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि भारत में बेस बनाए तो हमें उसकी भी इजाज़त नहीं देनी है। अब पाकिस्तान में उनके एयरफील्ड दिया गया था अमेरिका को, और इवन इस्लामाबाद की जो अमेरिकन एम्बेसी है वो भी एक तरह से इंटेलिजेंस की बहुत बड़ा ऑफिस था वहाँ पर, तो वो हम कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम उस तरह का जो मामला है कि इज़राइल जैसा हो या इराक जैसा हो, यूक्रेन जैसा हो या फिर पाकिस्तान जैसा हो, वो हम नहीं बन सकते हैं। तो ये अब देखते हैं कि आगे मामला कैसा रहता है। मुझे लगता है कि भारत अपनी डिपेंडेंसी जो सेल्फ रिलायंस है वो नहीं खोएगा, जो हमारी इंडिपेंडेंट एक डिप्लोमेसी है वो नहीं खोएगा, और हम किसी कैंप में नहीं जुड़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा और इसके बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर मुझे बताएं, और साथ में फेसबुक और ट्विटर के तहत मुझसे जुड़े, कांटेक्ट करें। और साथ में जो है फिर से मैं यही बात करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।